कोई नहीं भी पूछता है ना तो भी हम हमारे घर में बताते कि हम लोगों ने किया है। Back to my channel, Ruchi Style Corner. Title से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मेरे पास बहुत, जब से मैंने ये अपना शेयर किया है everyone was like on my Instagram कि आप इसका फाइनल लुक कब शो करोगे। सो आई थॉट कि मैं इसको पूरा एक प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊँ, बिकॉज क्या हो रहा था कि जब मैं सपोज मैं हमारे साथ हर दिन कोई नए लोग कम्युनिटी में जुड़ते हैं तो उनको फिर वो पुराने वीडियोज में जाकर, क्योंकि मैं टाइटल तो कुछ और ही डालती हूँ तो उसमें जाकर के देखना इज लिटिल डिफिकल्ट हो रहा था। सो आई थॉट कि मैं पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक का इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने अपना ये DIY डाइनिंग टेबल को बनाया है। तो मैंने बेसिकली नहीं बनाया है, मेरे हस्बैंड ने पूरी इसमें हेल्प करी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें इमेज डालती हूँ कि मैंने जो डाइनिंग टेबल परचेस किया था वो किस तरह से दिखता था, फिर हमने थोड़ी बहुत और उसमें मॉडिफिकेशन किए थे कि जो टेबल का हेड था दैट इज ऑफ यू नो वुडन कलर में था और बाकी का जो पूरा बेस था वो व्हाइट था एंड जो हमारा डाइनिंग टेबल वो जंगल वुड में था। नवंबर एंड टू दिसंबर में जब मैंने ये मेकओवर किया था तब मैंने अपने वीडियो में भी शेयर किया था कि दिस डाइनिंग टेबल हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हम इस पूरे एरिया को चेंज करना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में थॉट था ही कि इसको हमको चेंज करना है एंड हम लोगों ने दो तीन कारपेंटर से बात भी करके रखी थी बजटिंग एंड ऑल। तो मेरा इधर कि जनवरी से 10 to 15 के बीच में आई गोइंग टू गिव ऑर्डर टू द कारपेंटर कि हमको ऐसा ऐसा डिजाइन का डाइनिंग टेबल चाहिए। और ये वाला जो डाइनिंग टेबल है मैंने OLX पे भी डाल दिया था, इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी डाला था एंड काफी सारे मेरे पास और बहुत कम प्राइस में मैं बेच रही थी। लिटरली मैंने जितने का खरीदा था उसका 1/3 में मैं इसको सेल आउट कर रही थी क्योंकि मुझे बस ये था कि ये जल्दी से निकल जाए, इस घर से खाली हो जाए ताकि नया आ जाए। देन विक्की वाज लाइक कि लेट्स डू दिस कि हम इसी को कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इसका वुड बहुत अच्छा था। तो सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सिर्फ एनी केस आपको चाहिए हो कोई चीज तो वो आप इजीली देख सकते हो। सो यहाँ पर मैं अभी क्लिपिंग्स डालना स्टार्ट करती हूँ कि हमने स्टार्टिंग कैसे किया था। फर्स्ट स्टेप हमारी ये थी कि हम पूरे डाइनिंग टेबल को हम लोगों ने ओपन किया। ओपन करवाने के बाद क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो डायमेंशन था वो थोड़ा सा अलग था तो हम एज इट इज ओपन करने के बाद सारा जो भी वुड था वो लेकर के गए एंड एक लोकल कारपेंटर के पास हमने उसके हेडबोर्ड के 2 pieces कराए ना इक्वल पार्ट्स और जितने भी जो डायमेंशन जो हमने मैंशन किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने सबकी कटिंग करवाई। इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमने उसको 200 rupees दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है जो बेस स्ट्रक्चर था उसको प्रिपेयर करने की। तो विक्की ने पूरा जो बेस स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से सब कुछ यू नो एक जो नॉर्मल छोटा टेबल होता है उस स्ट्रक्चर में उसको खड़ा किया, जिसको करने में एटलीस्ट 2 दिन सैटरडे संडे पूरे फुल टाइम आवर उसको देना पड़ा तब जा करके वो प्रॉपरली टेबल जो है खड़ा हो पाया था उसके प्लेस पे। अब नेक्स्ट बारी आती है इसका स्टोरेज कवर करने की। तो पूरा हम लोग 1 week रुके थे एंड देन फिर हम लोग इसका जो प्लाईवुड है वो लेकर के आए थे। तो जो स्टोरेज आप देख रहे हैं ये सब, ये आजू बाजू से जो स्टोरेज कवरेज है ये पूरी तरह से प्लाईवुड से बना हुआ है। तो जो हम लोग प्लाईवुड लेकर के आए थे वो हमको 2000 rupees की टोटल पड़ी थी, 2500 अप्रोक्सीमेटली की हमको ये पूरी प्लाईवुड पड़ी थी जितनी भी इसमें लगी है डोर्स वोज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। उसके बाद प्लाईवुड का जो पीछे का स्टोरेज है वो इजिली लग गया था बट उसके ऊपर जो सनमाइका थी वो नहीं लग रही थी। हमने इसमें व्हाइट कलर की सनमाइका यूज करी है जो कि ना ग्लॉसी है ना ही मैट है, जो सेमी मैट सेमी ग्लॉसी आप बोल सकते हो उस तरह की सनमाइका है। तो ये काफी सस्ती वाली सनमाइका है, बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ये हमको 500 rupees की यू नो एक बड़ा सा ऐसा
सनमाइका का बहुत बड़ा सा वो आता है, तो आपको उसको कट करवाना होता है, देन उसको चिपकाना पड़ता है, तो उसको स्टिक होने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। डेफिनेटली अगर आप प्रोफेशनल नहीं है उसको करने में तो उसको बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ पर इस प्रोसेस में कारपेंटर की हेल्प ली थी। सनमाइका लगने के बाद बारी आती है इसके व्हील्स की, तो व्हील्स हम बहुत पहले ऑर्डर कर चुके थे क्योंकि ये बहुत हैवी स्ट्रक्चर है, ये काफी हैवी टेबल बना है, तो इसके लिए हमको बहुत अच्छी क्वालिटी के व्हील्स चाहिए थे। तो व्हील्स हम लोगों ने काफी सारा रिसर्च किया, फिर अमेजन पे हमने एक हमको व्हील्स काफी पसंद आ रहे थे जो कि आयरन के ऊपर पूरा बेस था, एंड देन नीचे उसकी जो व्हील्स की क्वालिटी वो काफी अच्छी थी और उसमें रिव्यूज काफी अच्छे थे, तो वो वाला व्हील्स हम लोगों ने ऑर्डर किया और वो हमको अप्रॉक्सीमेटली 600-700 रुपीज के पड़ गए थे। उस टाइम डिस्काउंट चल रहा था नहीं चल रहा था मुझे आइडिया नहीं, लेकिन क्योंकि हमको चाहिए थे अर्जेंट में तो हमने ऑर्डर किए थे। देन वो वाले व्हील्स हम लोगों ने इसमें यूज करे हैं और वो नीचे बहुत इजिली एंड बहुत परफेक्टली इसमें फिट भी हो गए हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के व्हील्स हैं वो। व्हील्स के बाद बारी आती है इसके अंदर स्टोरेज पार्टीशन की, तो वो हमको कारपेंटर भैया ने ही, जो हमारे जिन कारपेंटर भैया से हमने हेल्प ली थी, उन्होंने हमको प्रॉपरली जो स्टोरेज होता है वो करके दिया, एंड ये जो डोर है ये पूरा लगा करके दिया, एंड देन उसके बाद ये जो इस तरह के नॉब्स हैं, जो इसके होल्डर्स हैं, नॉब्स ही हम लोकल हार्डवेयर वाली शॉप जो होती है उनसे लेकर के आए हैं, एंड इसमें 3 नॉब्स यूज हुए हैं एंड पर नॉब 6 रुपीज का था, बहुत ही अफोर्डेबल था। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट, इसका जो हेड है, जो इसका टॉप है, उसके ऊपर हम लोगों ने सोचा था कि हम पेंट करेंगे, ग्लॉसी पेंट करेंगे उसके ऊपर, हम था हमारे 2-3 चीजें थी जो हम किसी और में एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि वो पेंट का पूरा जो किट आया है वो एज इट इज रखा हुआ है। बट द थिंग इज, क्योंकि मेरा बर्थडे आ चुका था और ये काफी लंबा प्रोसेस हो चुका था, 3 वीक्स ऑलरेडी हो चुके थे, तो मेरे पास इस तरह का जो वॉल पेपर होता है मार्बल प्रिंट का वो रखा हुआ था व्हाइट कलर का, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं, एज यू ऑल नो मैंने काफी सारे फर्नीचर में यूज किया है, तो वो जो व्हाइट मार्बल का शीट था वो हम लोगों ने इसके ऊपर लगा करके इसको फाइनली डन किया है। और इस पूरे प्रोसेस में, जैसे जो हमने कारपेंटर भैया को पैसे दिए हैं, उसके बाद जो सारा खर्चा आया है वो आया है अप्रॉक्सीमेटली 6,000 तक का, तो आई थिंक 6,000 इज अ प्रीटी गुड अमाउंट जिस तरह की ये यूनिट बनी है, और फोल्डिंग कम डाइनिंग टेबल तो एकदम पर्सनलाइज्ड है और हमारे अकॉर्डिंग बन गया है। लिटरली मैं बताती हूँ, खुद के बनाने की चीज की जो बात होती है ना उसकी एक अलग ही है, मतलब जो भी आता है हम उसको बड़े प्राउडली बताते हैं कि हम लोगों ने किया है, कोई नई भी पूछता है ना तो भी हम हमारे घर में बताते हैं कि हम लोगों ने किया है, ये हमने बनाया है, ये हमारे घर का है, और इसमें पूरे एफर्ट 0 to 100 तक का पूरा आइडिया, पूरा इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ विक्की का था, सिर्फ मैं उसकी हेल्प कर रही थी कि हाँ ऐसा कर लेते हैं ऐसा कर लेते हैं, मैं हाँ या ना बोल रही थी कि अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा ऐसे करके, बाकी पूरा आइडिया उसका था। बोथ आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग के टाइम पे कार्पेंट्री हमारा एक सब्जेक्ट होता है, तो हमने जो किया है वो सब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, हम दोनों को पर्सनली ये काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दे देती हूँ कि एक्चुअली में ये लक कैसा रहा और इसके अंदर स्टोरेज कितना है। This is the closer look of the table and this is the look of the sheet which we applied. Now here comes the storage and बहुत ही basic है अंदर से storage, इसका बहुत simple है, कुछ भी अंदर हम लोगों ने सनमाइका नहीं लगवाई है because extra amount लग रहा था तो उसको लगवाने का कोई sense नहीं बनता, तो ये हमने ऐसे partition करवा के रखा हुआ है and अंदर से ये काफ़ी raw लग रहा है I know, बट ठीक है अभी DIY है, हैंडमेड है तो थोड़ा बहुत तो लगेगा ही कि हाँ बनाया है, इतनी फिनिशिंग नहीं है जैसा एक मार्केट में स्टोरेज बॉक्सेस मिलते हैं या जितना मार्केट की चीज़ों में फिनिशिंग रहती है, बट येस वी आर वेरी सेटिस्फाइड एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट एज वेल। तो ये जो छोटे छोटे आप बेसिक सी चीज़ें देख रहे हैं ये सब कारपेंटर भैया ने किया था, बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट ये बहुत ही ईजीली स्लाइड हो जाता है, आपको जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके इसको जा सकते हैं और ईजी टू यूज़, ऑल्दो ये काफ़ी हैवी है। एंड ये है इसका फ्लैप, तो अभी हमारा जो फ्लैप का फ्रंट है वहाँ पर भी मेरे को ऐसा पेपर शीट लगाना है, वॉल पेपर जिसको मुझे अभी परचेस करना है, एंड ये इसको मुझे पेंट करना होगा बिकॉज ये बहुत वियर्ड सा लग रहा है। एंड ये जो एक और स्ट्रैप दिख रहा है आप वुडन की, इसको भी हम लोगों को पेंट करना है, बस ये चीज़ें रह गई हैं, तो ये अभी ऑर्डर नहीं किया है मैंने, जो मेरा मार्बल पेपर है वो खत्म हो चुका है, तो जैसे ही वो आ जाएगा मैं अंदर यहाँ पर लगा दूँगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट बिकम मोर स्टोरेज यूनिट एंड कंसोल यूनिट की तरह ये ज़्यादा यूज़ हो रही है एज कम्पेयर टू डाइनिंग टेबल, क्योंकि अब इसका कौन फ्लैप ओपन करे, हम दो लोग रहते हैं उसमें से भी एक टाइम तो दोनों अलग अलग खाना खाते हैं, तो जब हम रात में खाना खाते हैं तो हम नीचे बैठ जाते हैं या हम सेंटर टेबल लेके बैठ जाते हैं या कहीं पर भी बैठ जाते हैं, बट हम इस पर हार्डली ही बैठते हैं, तो यू नो द मेन पर्पज ऑफ दिस इज कि हमारे अगर फ्रेंड्स आते हैं तो
जनरली बहुत हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वही हमारे घर आते हैं, तो वी कैन यू नो कीप ऑल द फूड हेयर एंड आप अपने हिसाब से लो एंड जहाँ बैठना है वहाँ बैठो, अदरवाइज हम इसको जब कोई आएगा तब ओपन करके बैठ सकते हैं चार लोगों के लिए, अदरवाइज मेजरली हम इसको एज अ कंसोल टेबल एज अ स्टोरेज यूनिट ही यूज कर रहे हैं। तो येस दैट्स इट फॉर माई वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो, और आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा ये, एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।